नमस्कार मित्रों नमो नमः मैं हूं मुकेश दीवान मित्र मेरा नाम है मुकेश दीवान और मित्रों आपका है हार्दिक अभिनंदन मित्रों इस चैनल से आपको मैं फर्स्ट ग्रेड सामान्य संस्कृत का जो सिलेबस है आरपीएससी के द्वारा आरपीएससी जो कि राजस्थान का एक एग्जामिनर मंच है उसके द्वारा हर साल लिया जाता है पेपर फर्स्ट ग्रेड टीचर अर्थात पीजीटी का ध्यान रखिएगा फर्स्ट ग्रेड का मतलब होता है पीजीटी फर्स्ट ग्रेड ग्रेड पीजीटी यस फर्स्ट संस्कृत में और वो भी सामान्य एजुकेशन का मैं यहाँ सिलेबस समझा रहा हूं और सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर नहीं सेकंड पेपर समझाने जा रहा हूं आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा सिलेक्शन हर हालत में होगा आइए मित्रों एक कदम आगे बढ़ा के दिखाओ तो देखिए मित्रों मेरा पहला पार्ट नंबर वन अच्छा प्रश्न कितने आते हैं एक बार मैं उस पर बात कर लू फर्स्ट ग्रेड में 150 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक दो अंक का होता है कुल मिलाकर के 300 300 नंबर का 300 अंक का पेपर होता है ठीक है मित्रों अब हमें यह ध्यान करना है कि किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है यानी किस टॉपिक की कैसे तैयारी करनी है तो मित्रों यहां ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट पार्ट बनाया गया है सिलेबस में उसका स्तर यानी कि कहां से शुरुआत है उसकी बारहवीं क्लास से बारहवीं क्लास में क्लास या फिर ध्यान रखिएगा या वरिष्ठ उपाध्याय जी हाँ वरिष्ठ उपाध्याय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संस्कृत एजुकेशन में ट्वेल्थ क्लास नहीं कहते वरिष्ठ उपाध्याय कहते हैं तो मित्रों यहां पर मैं बात करने वाला हूं पहले टॉपिक की लघु सिद्धांत कौमुदी से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और किसमें संज्ञा प्रकरण में संज्ञा प्रकरण में, में लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण दिए गए हैं या फिर वृत्तियां दी गई हैं या सूत्र दिए गए हैं वही पूछने वाला है संज्ञा के छह सूत्र पूछने वाला है एग्जामिनर लोप संज्ञा का सूत्र संयोग संज्ञा का सूत्र प्रियत्र में अभ्यंतर भी पूछने वाला है उच्चारण स्थान भी पूछने वाला है परीक्षक और पद संज्ञा भी आपसे पूछेगा जी हाँ ये सारे सारे प्रश्न आपसे पूछने वाला है कहा एग्जामिन आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछने वाला है दूसरा टॉपिक है कि निम्नलिखित सूत्राणाम आधारे स्वर व्यंजन विसर्ग संधि नाम ज्ञानम तथा सूत्रानुसारम संधि संधि विशेष यहां आपको कुछ, कुछ समझना होगा मैंने कुछ कहा है यहां एग्जामिनर कह रहा है कि सूत्र जो हैं संधि के उन सूत्रों संधि के जो सूत्र हैं चाहे वो स्वर संधि का हो व्यंजन संधि का हो या विसर्ग संधि का हो उन सूत्रों पर आधारित ही संधि संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा आपको मित्रों यहाँ याद क्या क्या करना है एक तो सूत्र याद रखना है नंबर दो उसकी वृत्ति याद करनी है और तीसरा उससे बनने वाले सबसे पहले वो जो प्रमुख उदाहरण है क्योंकि यहाँ सबसे पहले कुछ कहा है और उसके उसके अलावा जो बनने वाले हैं वो उदाहरण आपको याद करने होंगे जैसे स्वर संधि है स्वर संधि में सबसे पहला सूत्र है इकोअी एचो अव आद गुण वृद्धि रेची अकह सीर्घ अः एंग यहाँ देखो हमें कुछ सुधारना भी है चलिए चलिए चलीच सुधारते हैं क्या सुधारा यहाँ पर एक नहीं एंग एंग पदांत बिल्कुल सूत्र को सुधारना ही होगा चलिए वो सूत्र है एंग एंग पदांत दति सूत्र है ध्यान रखिएगा मित्रों एंगी पर रूपम सूत्र है इदु दे द्विवचनम प्रहज्ञम सूत्र है स्वर संधि में इको यंची एचो आयाव एचो अय वायाव है आद गुण है वृद्धि रेचि अकह सवर्णे दीर्घ है एंग पदांत दति एंगी पर रूपम और इदु दे द्विवचनम प्रहज्ञम इसके अलावा मित्रों जब हम जहां गए व्यंजन संधि में व्यंजन संधि में तो सूत्र जो है उसकी वृत्ति उसके जो मुख्य उदाहरण है और उससे अन्य जो उदाहरण बनते हैं वो भी स्टूना स्टू झलाम जसवंते यरो अनुनासिके तोरली वोरलीयो हो अन्य तर शयाम सो मो अनुश्वारे, यरो सॉरी अनुस्वार व्यंजन संधि में आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कितने सूत्रों का प्रयोग है और आपसे कौन से पूछे जाने वाला है आपको सूत्र सूत्र की वृत्ति और उसके मुख्य उदाहरणों पर सबसे पहले फोकस करना होगा चाहे आप कितने बड़े शास्त्री हो चाहे आचार्य हो चाहे आपने पीएचडी कर रखी हो चाहे आप नॉर्मल हो आपको इन सूत्रों पर फोकस करना होगा तभी जाकर के आप सही उत्तर दे पाएंगे वहां संधि की बात करें विसर्जनीय से सूत्र सो सस जुसो रू प्लुताद प्लुते, हसी चे भो भगो अघो भो भगो अघो जी हाँ अघो करना है घै घड़ी का बनाएंगे इसे और यहां घड़ी का कैसे बनेगा ये लो भो भगो अघो ए पूर्व से यो असी सूत्र है भो भगो यहां पर भी भो भगो है भो भगो अघो पूर्व से यो असी रोरी सूत्र है ढृहलोप से पूर्व से दीर्घो अण है और एतत तदो सुलोपो नए समास समासे हली ये सारे सूत्र विसर्ग संधि के आपसे पूछे जाने वाले हैं ठीक है, है। सूत्रों का करने के बाद में हमारे पास आता है बात कर रहा है ये छंद की तो मित्रों एक बार फिर से देखें हमने अभी यहां पर संधि देखी अब यहां पर वो छंद दिखा रहा है तो निम्नलिखितान छंदानाम परिज्ञानम अनुष्टुप छंद आर्य छंद इंद्रवज्रा छंद उपेंद्र वज्रा छंद उपजाति छंद वंशस्थ छंद द्रुत छंद भुजंग छंद वसंत छंद मालिनी छंद मंदा क्रांता छंद शिखिणी छंद शार्दुल छंद और श्रगधरा छंद ये सारे छंद तो आपके सेकंड ग्रेड में भी हैं तो फर्स्ट गेड में चार तीन कौन कौन से हैं रथोदता वियोगिनी और शालिनी रथोदता वियोगिनी और शालिनी छंद हैं कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए पंद्रह है कि अठारह हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह यानी चौदह वहां है और तीन यहां भट गए कुल सत्रह छंदों का प्रयोग फर्स्ट ग्रेड में होने वाला है अब कहा अव्यय का प्रयोग क्या सब अव्ययों का प्रयोग भी आपको फर्स्ट ग्रेड में पूछने वाला है पुनः उच्च निचय स्नेय अध सायम चिरम तुष्णिम सहसा मिथ्या पुरा खलु किल दिख विना सह अंतरा और अध्य इन सभी अव्ययों का एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछने वाला है तो एक बार काउंट कर लो कितने हैं अव्यय का दो दो चार दो छ दो आठ दो दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस करीबन बीस अव्ययों का प्रयोग आपसे एग्जामिनर याद रखिएगा ये अव्यय से बनने वाले जो का प्रयोग होगा एग्जामिनर आपसे विशेष रूप से सुक्तियों में से कोई लाइन देगा उसमें खालिस्तान छोड़ेगा और वहां से पूछेगा बताओ कौन सा लगने वाला है ध्यान रखना एग्जामिनर प्रश्न ऐसे ही देगा फिर कहा पांचवा जो बिंदु है वो कहा निम्नलिखिता नाम शब्द रूपा ज्ञानम तथा विभक्ति आधारित प्रश्न कि यहां पर शब्द रूपों का ज्ञान भी होना चाहिए और उनकी विभक्तियों पर का भी ज्ञान होना चाहिए आपको तभी आप शब्द रूपों का प्रयोग कर सकते हैं देखिएगा शब्द रूप कौन कौन से दिए गए हैं मित्रों राम हरि पति सखी गुरु पित्री सखी गुभ गच्छत आत्मन कर्मन लता मती नदी वधु धेनु वधु मातृ फल वारी ददी वधु मधु राजन भवत जगत मनस चेतस अस्मद युष्म सर्व तत्व निदम यहां पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का यदि मैं निकालना शुरू करूं तो याद रखिएगा मित्रों ये चारों का चारों पुलिंग के हैं ये भी पुल्लिंग का है ये स्त्रीलिंग का है ये स्त्रीलिंग का है पुल्लिंग है ये भी पुल्लिंग ये तीनों लिंगों में एक दो ये दोनों के दोनों तीनों लिंगों में चलने वाले जी हाँ तीनों लिंगों में रूप बनेंगे इसके तीनों लिंगों में रूप बनेंगे इन दोनों के आत्मन पुल्लिंग में रहेगा कर्मन नपुंसक लिंग में ही रहेगा ये नपुंसक लिंग में ही चलता है लता स्त्रीलिंग में मती स्त्रीलिंग में नदी धेनु वधु मातृ यहां तक स्त्रीलिंग के ही शब्द रूप है फल वारी यहां से शुरू करो नपुंसक लिंग के और यहां तक आपका नपुंसक लिंग का ही है राजन पुलिंग शब्द है ये तीनों लिंगों में बनेगा तीनों लिंगों में बनेगा जी हां भव सब तीनों लिंगों में बनेगा जगत है नपुंसक लिंग का है मनस नपुंसकलिंग में ये भी नपुंसकलिंग में ये यहां से यहाँ तक सर्वनाम शुरू हो गए जी हाँ पांच सर्वनाम आपके यहाँ दिए गए हैं ध्यान रखना होगा फिर कहा आपसे कि निम्नलिखिता नाम धातु नाम लट लोट लिट लन और विधिनी लकार में आपको प्रयोग करके बताना है सामान्य प्रश्न कहा वो लकार कौन से है वो धातु कौन से हैं जो कि हमसे प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा तो मित्रों यहां एग्जामिन ने खुद ने ही तीन भागों में विभक्त कर रखा है धातुओं को परसमय पद में भू, पट लिख अस हन पा शक क्री ज्ञा और चिंत ध्यान रखिएगा एग्जामिनर इनसे केवल कौन से पूछने वाला है परसमय पदी के ही आत्मने वाले नहीं पूछेगा कहा आत्मने पद में सेव लभ रुच मुद और याच यानी कि आत्मने पद के ये पांच ही आपसे पूछने वाला है और उभय पद में पच देखिएगा पच क्या पहले भी कहीं आया है क्या ऊपर वाले में पच नहीं है क्री है क्या तो क्री है यहाँ भी और यहां भी है तो इसका मतलब साफ है कि क्री धातु से परसमय पद भी याद करना होगा और आत्मने पद भी और भज धातु मेरे हिसाब से और कहीं नहीं है तो ये दोनों जो हैं वो आपको परस्मयी और आत्मने तीनों ही परश्मय आत्मने तीनों ये तीन ही धातुएं हैं जिनके दोनों रूप आपको याद करने हैं इनके आपको केवल आत्मने पद के याद करने हैं और इन सभी के आपको परस्मय पद के ही याद करने हैं बहुत सरल होता है लेकिन समझने पर इतना भी संस्कृत सरल नहीं है कि हर कोई आकर के संस्कृत का पेपर देके चला जाए और मास्टर बन जाए इतनी भी सरल नहीं है संस्कृत निम्नलिखित निम्नलिखित प्रत्यय नाम सामान्य ज्ञानम तथा प्रकृति प्रत्यय आधारित प्रश्न क्या कहा है इसने यहां पूछा गया है यहां पर दिया गया है एक तो प्रकृति प्रकृति यानी धातु या शब्द धातु या शब्द और उसके बाद में लगने वाला प्रत्यय तो यहां पर जो प्रत्यय है उनकी बात होने वाली है वतु क्षत्रि सानच, तुमुन तव्यत अनियर ऋण त्रिच यत रणय क्यप कत्वाप ल्युट निनी अच इन मयट मतुप तल तरप येसुन, स्थन इमनिच तमप टाप और तो यहां ध्यान रखना होगा मित्रों आपको कि सेकंड ग्रेड में तो आपके स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं थे लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आपके दो प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय से बने हुए होंगे जी हाँ और याद रखना होगा कि कितने प्रत्यय आपके सिलेबस में हैं तो काउंट कर लीजिएगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस उनतीस तेईस यानी तीस प्रत्ययों से एग्जामिनर प्रश्न बहुत बेहतरीन बना देता है और मित्रों वो दौर जा चुका जहां ऑप्शन में एक ही उत्तर हुआ करता था आजकल कर एक्शन एक भी एक एक ऑप्शन में मिलान पूछने लग गया है कई बार मिलान पूछने वाले बड़े कठिन हो जाते हैं इसलिए प्रत्ययों और उदाहरणों का विशेष प्रयोग करना होगा आपको समझना होगा कहा स्नातक स्तर स्नातक का मतलब होता है बीए या फिर शास्त्री यहां से संबंधित क्या प्रश्न पूछने में है एग्जामिर भाग दो है अधोलिखिता नाम अलंकाराणाम परिज्ञानम तथा लक्षण उदाहरण संबंधित प्रश्न परीक्षक आपसे ग्रेजुएशन लेवल का अलंकार का पूछेगा अलंकार यहां देखने होंगे कि अलंकार यहां पर और कितने भड़ गए हैं क्योंकि हमें सिलेबस को बहुत गौर से देखना होगा अनुप्रास यमक श्लेष ठीक है उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा व्यतिरेक संदेह और भ्रांतिमान निदर्शना दृष्टांत और अर्थांतरन्यास दीपक और तुल्य योग्यता ये तो आपके सिलेबस में सेकंड गेट में भी है यहां तक तो लेकिन जैसे ही एक कदम आगे आपने बढ़ाया तो एक तो ये यहां रिपीट हुआ है पहले इस रिपीट को उड़ा दूं क्योंकि जो सिलेबस में दे रखा था मैंने उसको वैसे के वैसे लिखवाया यहां पर चलिए अब आपके फर्स्ट ग्रेड में यहां पर इन अलंकारों के साथ नए अलंकार कौन कौन से हैं समासोक्ति अतिशोक्ति विभावना विशेषोक्ति और वक्रोक्ति यानी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह तो आपके पहले से ही हैं एक दो तीन चार पांच कुल अलंकारों की संख्या बीस आपसे पूछे जाने में है और याद रखिएगा एक दो तीन चार पांच से तो वो प्रश्न बनाए ही बनाएगा जी इन पांच से तो बनाएगा वो क्योंकि लेवल है लेवल पे तो बात करेगा तो समासोक्ति अतिशोक्ति विभावना विशेषोक्ति और वक्रोक्ति इनका तो पांच का आपको टिप्स पे ध्यान रखना होगा ठीक है समाज की बात करूं मित्रों ये टॉपिक समाज का हर जगह एग्जामिनर के हाथ में फ्रीडम वाला होता है क्यों क्योंकि यहां कोई सूत्र ही नहीं दिए और ऐसी स्थिति में एग्जामिनर सूत्र भी देगा उसकी वृत्ति भी पूछेगा उसके उदाहरण भी पूछेगा तो अवे भाव समाज के जितने भी नियम हैं वो सारे याद कर रहे हैं तत्पुरुष समाज के तमाम उदाहरण कर्मधार्य द्विगु द्वंद समाज बहुवरी समाज इन सभी के समाज के सामान्य परिचय भी और पदों और समाज समाज विग्रहों का भी प्रयोग एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है फ्रीडम वाला सबसे बड़ा सबसे कठिन जो टॉपिक पड़ता है फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में वो आता है यहाँ पर समाज का जी हाँ समाज में उलझ जाता है क्योंकि उस बालक ने यदि किसी अन्य सामान्य भर्तियों में पढ़ाई की है तो उन सामान्य भर्तियों के बाद जब यहां पूछता है तो उसके होश उड़ जाते हैं एग्जामिनर बालक के कि ऐसे भी क्या प्रश्न होंगे क्या जी हाँ फिर आता है मित्रों हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद और वो भी कौन से कारक आधारित अब यहां पर बालक का हमेशा एक प्रश्न होता है कि सर कारक आधारित का मतलब क्या है तो आरपीएससी का ध्यान रखिएगा हमारी जो आरपीएससी जो पेपर लेती है ये कारक के वाले कौन से जो आपके फर्स्ट ग्रेड में कारक के सूत्र दे रखे हैं नब्बे परसेंट उन्हीं से ही प्रश्न पूछा जाता है नब्बे परसेंट तो कारक के सूत्र जब आए तो मैं यहां दिखाऊंगा उन्हें आप टिप्स पे याद कर लीजिएगा फिर कहा है, एक टॉपिक और भी है जिसमें पूछा कारक प्रत्यय समास आधारित वाक्य नाम अशुद्धि संशोधन ये अशुद्धि संशोधन वाला भी आपके सिलेबस में जो कारक के सूत्र दे रखे हैं आपके यहां जो प्रत्यय दे रखे हैं और आपके यहां जो समास दे रखा है उसी से आधारित ही पूछेगा बाह्य कोई भी उदाहरण पूछने वाला एग्जामिनर नहीं करता क्योंकि उसे यह पता है कि नया पाणिनि बनने की आवश्यकता उसे नहीं है इसीलिए कहा निम्नलिखित पुस्तका नाम सामान्य अध्ययन मैं यहां दिखाऊंगा यहां मैंने टिक लगाया है टिक का मतलब पूरा है इसको क्रॉस मत समझ लीजिएगा तो एक तो नीति सतकम जो भारत ने लिखी इसका सामान्य परिचय तो पूछे ही गा, साथ में नीति में से सुक्तियां जो हैं उन पर आधारित भी प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा किराता अर्जुन में अठारह भारवी ने जो लिखा है उसका प्रथम सर्ग से एग्जामिनर प्रश्न आपसे पूछने वाला है श्रीमद भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उससे प्रश्न होंगे अभिज्ञान शाकुंतलम पूरी की पूरी है याद रखिएगा पूरी की पूरी है यहाँ पर सात के सात अंकों का प्रयोग होगा ऐसा नहीं है कि एग्जाम चौथे अंक से ही पूछ करके साइड में हो जाए कठोपनिषद नचिकेता और यम का संवाद जो चला था नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद आपके यहाँ फर्स्ट ग्रेड में है सेकंड ग्रेड में ईसा है और फर्स्ट ग्रेड में कठोपनिषद आपके यहाँ में और इस कठोपनिषद का भी जो तीन अध्याय है उनमें से जो प्रथम अध्याय का भी प्रथम वल्ले से ही प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसा नहीं कि आपका तीसरे चौथे दूसरे और तीसरे अध्याय से पूछे जाएंगे प्रथम वल्ली से ही पूछे जाएंगे कि बाण भट्ट ने कादंबरी लिखी और कादंबरी के मध्य में भाग आता है कादंबरी के मध्य में भाग आता है क्या शुकनाशोपदेश और क्या किसने लिखा है बाण बाणभट्ट ने ध्यान रखिएगा सुखनास जो थे वो तारापीड़ के अमात्य थे और उन्होंने युवराज पद पे चंद्रापीड़ को बैठते समय जो उपदेश दिए लक्ष्मी के विषय में राजمد के समय में विषय में वो वहां इन्होंने यहां पर बताया है उससे वो एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा स्वप्नवासदत्तम बाह्र ने कुल 13 रचनाएं लिखी हैं नाटक लिखे हैं जिसमें से एग्जामिनर स्वप्नवास दत्तम से प्रश्न बनाएगा ठीक है निम्नलिखित सुक्तान सामान्य प्रश्न। अब ये सूक्तों की बात हो रही है तो वरुण जो कि प्रथम अध्याय का एक सौ पच्चीसवा है पुरुष सुक्त दसवें मंडल का नब्बेवा अग्नि सूक्त जो कि कहा है प्रथम मंडल का प्रथम विष्णु सूक्त प्रथम मंडल का एक सौ संस्कृत साहित्य के इतिहास की बात करें तो परीक्षक यहां पर वेदिक साहित्य वेदिक साहित्य में वेद के विषय में सामान्य परिचय पूछेगा जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ है उनके विषय में उपनिषद पूछेगा और याग्बल स्मृति में आचार अध्याय से भी प्रश्न पूछेगा परीक्षक यहाँ पर मित्रों आ, याकुर स्मृति में जो अध्याय हैं उनमें तेरा अध्याय तेरह अध्यायों में से जो आचार अध्याय है प्रथम उसी से आपसे प्रश्न पूछने वाला है जी हाँ याको स्मृति में कुल तेरह अध्याय हैं आ जाइए मित्रों लौकिक साहित्य की बात आ जाती है तो लौकिक साहित्य में वीर काव्य के नाम से दो ग्रंथ दिए हैं एक रामायण और एक महाभारत रामायण और महाभारत परीक्षक आपसे पूछने वाला है इससे संबंधित प्रश्न पूछने वाला है रामायण महाभारत के अंदर क्या है क्या सर्ग है मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ने वाला जो आपको समझ में नहीं आए महाकवि नाम कवि ना, काव्य नाम परिचय महाकवियों का परिचय और उनके महाकाव्यों का परिचय जैसे कालिदास है अश्वघोष है भारवी है और माघ है और श्रीहर्ष है यानी इनके जो महाकाव्य लिखे किसने लिखे कालिदास ने दो लिखे कौन कौन से कुमार संभव और रघुवंश अश्वघोष अश्वघोष ने क्या क्या लिखा याद कीजिएगा याद करोगे तो यह समझ में आ जाएगा आपके कौन कौन सा लिखा बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदन भारवी भारवी ने क्या, क्या लिखा किरात अर्जुनियम माघ ने क्या लिखा शिशुपाल बद्धम श्रीहर्ष ने क्या लिखा ने चरितम गद्य कवि नाम रचना परिचय गद्य कवियों की परिचय पूछने में है जिसमें बाण भट्ट कादंबरी पूछेगा का एग्जामिनर दंडी का दश कुमार चैतम और सुबंधु का पूछने वाला है परीक्षक यहां पर वासव दत्ता खंड काव्य की बात करें तो मेघदूत से प्रश्न बनने वाले हैं मेघदूत में जो श्लोक की संख्या है वो भी याद रखनी होगी आपको यह भी याद रखना होगा कि किस जगह को किस नाम से संस्कृत में कहा गया मेघदूत में और गीति काव्य ऋतु संहार से भी से भी कालिदास ने जो लिखा वहां से प्रश्न आएंगे नाट्य साहित्य की बात करें और कवियों का और नाटकों का परिचय कालिदास ने लिखे तीन नाटक उनसे प्रश्न आएंगे भास ने लिखे तेरह नाटक उनसे प्रश्न आएंगे भागभूति ने तीन नाटक लिखे वहां से प्रश्न होंगे शुद्रक ने एक नाटक लिखा वहां से भी प्रश्न होंगे तीन यहां से तीन नाटक तेरा नाटक यहां से यहाँ भी तीन नाटक हैं और यहाँ एक ही नाटक लिखा है तो कवि का परिचय और इनकी रचनाओं पर प्रश्न बनने वाले हैं अर्वाचीन कवियों की बात करूं अर्वाचीन कवि मतलब जो वर्तमान में जो कवियों के बारे में बात चलती है उन कवियों की रचनाओं की भी बात में बात कर ले तो मित्रों अंबिका दत्त व्यास जी हाँ अभिनव बाण की उपाधि मिली है इन्हें अभिनव बाण कहा जाता है अंबिका दत्त व्यास को उनका परिचय उनकी रचनाएं देवर्षि कलानाथ शास्त्री तथा उनके पिता भट्ट मथुनाथ शास्त्री का परिचय यहां पर पंडित पद्म शास्त्री का डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री प्रोफेसर हरिराम आचार्य डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी और पंडित मोहन लाल पांडे इनसे संबंधित इनकी रचनाओं से संबंधित इनकी कृतियों से संबंधित प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है पार्ट नंबर तीन यहां कहा स्नातकोत्तर अर्थात एम ए एम ए या आचार्य जो बालक कर चुका है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड देने के लिए एम या आचार्य संस्कृत में होना जरूरी है और ऐसी स्थिति में यहां से एग्जामिनर सिद्धांत कौमु से कारग प्रकरण पूछेगा निम्नलिखित नाम सूत्र सामान्य परिचयात्मक प्रश्न वाक्य प्रयोग यहां पर मित्रों सिद्धांत कौमुदी से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी इनसे एग्जामिनर यहां प्रश्न आपसे पूछने वाला है लेकिन किसमें कारक में तो कारक में पूछा तो आइए बिना सूत्रों के तो नहीं पूछ सकता यस कारक के सूत्रों की बात करें तो प्रथमा विभक्ति का एक ही सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा द्वितीय विभक्ति सूत्र होता है कर्तु रिप्सित तमम कर्म नंबर एक कर्मणि द्वितीय दो अधि सिंह स्था कर्म सूत्र को जोड़ के चलो आधि सिंह स्था कर्म ए च उपान वद्यांग बसा सूत्र अभिथ परितय समया निक्षा हा प्रति योगे अपि अंतरा अंतरेण युक्ते कालाध्वन और अत्यंत संयोगे यहां तक के एक दो तीन चार पांच छ सात आठ सूत्र है कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति के आठ सूत्र हैं प्रथमा विभक्ति का केवल एक ही सूत्र है तृतीय में चलते हैं साधक तम कर्णम कृत कर्णयो तृतीय प्रकृत्या उपसंख्यानम अपवर्गे तृतीय विकार सहयुक्त इत्थं भूत लक्षण यहां तक के जो सूत्र हैं वो तृतीय विभक्ति और कर्ण कारक के हैं तो एक दो तीन चार पांच छ पांच हो गए ना और ये छ सात सात सूत्र फिर से काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पांच छ और सात सूत्र हैं कर्ण कारक और तृतीय विभक्ति के सूत्र है सिलेबस में फिर बात करें हम कर्मणा प्रेति से संप्रदानम चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान संज्ञा के सूत्र नंबर एक कर्मणा यम्बी प्रेति से संप्रदानम एक चतुर्थी संप्रदाने ये यह दूसरा सूत्र स्प्रहता यह तीसरा सूत्र रुचियम प्रियमाण धार धारे धारे रुत्तम क्रुदे ईशा नाम यम प्रति कि अभी तक हमारे सूत्र चतुर्थी खत्म नहीं हुए हैं तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठवा देखिएगा चतुर्थी वाचम आठवा सूत्र नौवा है नमः स्वस्थि स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्च जी मित्रों योगाश्च सूत्र है यहां से हटाओ इसे और मित्रों यहाँ इसको पूरे सूत्र को मैं जोड़ देता हूँ ये लीजिएगा ये लो मैंने जोड़ दिया है ताकि आपको ध्यान रहे नौवा हो गया दसवा बोले साहब दसवा नहीं है तो नौ सूत्र किसके दे रखे हैं चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान संज्ञा के पंचमी विभक्ति से शुरू करता है परीक्षक ध्रुव पाए अपादानम दूसरा है अपादाने पंचमी दूसरा सूत्र तीसरा और यहां मित्रों मेरे हिसाब से सूत्र में लिख दू यहां पर अपादाने पंचमी हाँ हो गया सूत्र आ गया दो जुगुप्सा विराम प्रमादार्था उपसंख्यानम वित्रार्थान भय हेतु इपिता अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति आख्या तोप योगे जनी कृतु प्रकृति भूव प्रभव पृथक विना नाना भी तृतीय अनेतरश तो कहा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ सूत्र किसके हैं पंचमी विभक्ति के आठ कैसे हो गए ज्यादा होंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस सूत्र है भाई दस कारक विभक्ति के पंचमी और अपादान कारक के कुल दस सूत्र हैं टेन दस सूत्र है मित्रों ठीक है सी से से सी हेतु प्रयोगे सर्वनाम तृतीयाचे दस अर्थ प्रत्येन दुरां कार्थे सृश्याम कर्मणि और कृत कर्म हो कृति यहाँ पर आपके देखना होगा षष्ठी चानादरे और कृत्यानाम कर्तरी वा यहाँ तक के जितने भी ये सूत्र हैं ये सी विभक्ति के हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ सूत्र आपके ष्टी विभक्ति के हैं मित्रों ये ध्यान रखिएगा कारक में अगला सूत्र देखता हूं आधार और अधिकरणम सप्तम अधिकरणे चय सूत्र है साधव ए साधव ए साधो प्रयोगे चय निमित्तात कर्मयोगे और यतस्य निर्धारणम और यस्य भावेन भाव लक्षणम तो मित्रों यहाँ पर जो सूत्र जो है दो सूत्र तो ये हो गए और दो तीन चार पांच छह सूत्र हैं इसके तो अब जरा सा हिसाब लगा के चले कि कारक के फर्स्ट गेड में सूत्र हैं कितने तो बैक में चलें एक एक उठाएं देखते जाएं नौ और सात सोलह सूत्र तो ये हो गए सोलह और नौ हमारे पास हो गए पच्चीस पैंतीस और पच्चीस दस पैंतीस और नौ चौवालीस चौवालीस और पूरे पचास सूत्र पचास सूत्र हैं किसके कारक के और सोचिएगा इन पचास सूत्रों से परीक्षक शुद्ध अशुद्ध भी बनाने वाला है ये भी आपको ध्यान रखना होगा मित्रों अब आता है हमारा जो हाई लेवल हो चुका है एम ए लेवल में है आप फर्स्ट ग्रेड में है तो भाषा विज्ञान संबंधित प्रश्न यहां पूछे जाएंगे जिसमें सबसे पहले भाषा उत्पत्ति मित्रों याद रखिएगा मैंने इस पर एक बुक भी बनाई है लिखी है मैंने एक बुक भाषा विज्ञान पर आपको ऐप में उपस्थित मिल जाएगी आप टेंशन फ्री रहिएगा तो जहां से प्रश्न बनाएगा मैं सारा डाल के मैटर तैयार रखूंगा टेंशन नंबर एक हर चीज पढ़ाऊंगा और हर चीज आपको यहाँ दूंगा अभी। भाषा उत्पत्ति और प्रमुख उसके सिद्धांत उच्चारण स्थान भाषा विज्ञान के अनुसार उच्चारण स्थान कैसे हैं ध्वनि नियम कैसे हैं उसके और भाषा का वर्गीकरण भाषा का वर्गीकरण ये आपके भाषा विज्ञान जो बुक है उससे होंगे इसके बाद में शुरू होता है आपके साहित्यिक मैटर निम्नलिखित दर्शन ग्रंथानाम सामान्य अध्ययनम सामान्य अध्ययन की जो बात हो गई है सामान्य अध्ययन का मतलब होता है सामान्य ही होता है अरे किसी व्यक्ति का नाम जानना है कि किताब लिखी किसने नंबर एक नंबर दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि उसने क्या लिखा है उस किताब में नंबर दो और वो क्या रूल बता रहे हैं किसी चीज के बस तीन चीजें हों ध्यान में तो पूरा ग्रंथ याद होता है जैसे कि कारिका लिखी है ईश्वर कृष्ण ने तो हमें कारिका में क्या है और क्या नहीं है वो सब कुछ याद होना चाहिए तर्क भाषा प्रमाण्यवाद परिवर्तन क्या कहा, कहा तर्क भाषा जो लिखी गई है वो प्रमाण्यवाद पर्यंतक हमें यहाँ बताना है तर्क भाषा जो कि केशव मिश्र ने लिखी है ये ग्रंथ किसने लिखा है तर्क भाषा केशव मिश्र ने और चारवाक दर्शन यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृतवा घृतम पिवेत चार वाक नहीं कहा था तो चारवाक से संबंधित प्रश्न यहां आपसे पूछे जाने हैं अलंकार पे आ जाओ अलंकार हम पढ़ चुके हैं लेकिन अब आता है वो ग्रंथ जो अलंकारों से संबंधित है उन पे प्रश्न हमसे पूछेगा परीक्षक नंबर एक अलंकार शास्त्राणाम सामान्य अध्ययन नाट्यशास्त्र जिसमें छत्तीस अध्याय है भरत मुनि ने लिखा है उन्होंने कितने अलंकारों का प्रयोग किया है और कौन से उदाहरण दिए हैं वो यहां हमसे वो पूछने वाला है काव्य प्रकाश मम्मट ने लिखा है इन्होंने किस अलंकार के लिए कौन सा उदाहरण है याद रखिएगा एग्जाम वही उदाहरण पूछेगा जो इस किताब में ग्रंथ में लिखे हुए हैं साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ ने लिखा है इन्होंने कितने अध्याय लिखे हैं या फिर उल्लास लिखे वो जो भी लिखा है आपको यहाँ वो एग्जामिन पूछने वाला है लोग आनंद वर्धन महोदय ने अपने ग्रंथ में इस ग्रंथ में क्या लिखा है किसके बारे में लिखा है हमसे वो पूछने में है मित्रों यहाँ तक का जो खेल था कहां तक का तीसरा टॉपिक तक का वो तो हम व्याकरण और साहित्य से संबंधित था लेकिन अब आती है बात कि हम बालक को किस आधार पे पढ़ाएं इसके लिए शिक्षा मनोशास्त्र शिक्षा मनोशास्त्र की बात आती है तो मित्रों शिक्षा मनोशास्त्र आपके यहाँ पर टॉपिक है फोर्थ और इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित प्रश्न कंप्यूटर तकनीक का शिक्षण अधिगम का उपयोग ये चीजें आपको यहां एग्जामिन पूछने वाला है जैसे कहा शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व क्या है और इससे करीबन पांच प्रश्न बनने वाले हैं अधिगम करता क्या होता है शिक्षक के क्या महत्व है मनोविज्ञान में शिक्षण अधिगम शिक्षण प्रक्रिया क्या होगी और विद्यालय में प्रभावशालीता कैसे आप उसे दिखाएंगे यह यहां एग्जाम आपसे पूछेगा दूसरे टॉपिक में यहां पूछने वाला है अधिगम कर्ता का विकास अधिगम कर्ता जो सीखने वाला है उसकी बात है और सीखने वाला भी किस अवस्था का किशोर अवस्था में आपका जो बालक है वो ग्यारहवीं बारहवीं में हो चुका है ना तभी पढ़ा रहे हो फर्स्ट ग्रेड अब यहां पर आपको उसके संज्ञानात्मक के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं शारीरिक मूल्यांकन कैसे करेंगे सामाजिक संवेगों और नैतिक विकास जो है के प्रतिमान से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके वैशिष्ट का भी आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा यहां से भी परीक्षक नहीं नहीं करते चार से पांच प्रश्न बना डालेगा जी हाँ शिक्षण अधिगम शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है उसमें एग्जाम में पूछ रहा है कि मा, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारवादी संज्ञानवादी और निमित्तावादी संप्रतियों तथा अधिगम के सिद्धांत उनके निहार्थ को बताना है बड़ा सरल है मुझे ये सरल लगा भाग क्योंकि हम रोज पढ़ाते हैं बालक को इसी तरीके से पढ़ाते हैं हर उस स्थिति में अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी अवस्था में आप कार्य कैसे कर रहे हैं किशोर अधिगम करता की अधिगम करता की अधिगम विशेषताएं उनके शिक्षण के लिए निहार आप क्या कर सकते हैं इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछेगा किशोर अधिगम करता का प्रबंधन मैनेजमेंट जी हाँ मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करेंगे उसके दिमाग को मानसिक दिल को मन को कैसे अध्ययन करवाएंगे उसके लिए उसके स्वास्थ्य और समायोजन समस्याओं का आपको कैसे समाधान खोजना है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल मित्रों ये सारी चीज मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ा रहा रहा हूं हूं और लगातार पढ़ा रहा हूं क्योंकि संस्कृत में प्रश्न संस्कृत में ही आते हैं भाई हिंदी में नहीं आते प्रश्न इसलिए ये जो टॉपिक है ना तीस क्वेश्चन आते हैं ये एग्जामिनर कोई हिंदी वाला नहीं पढ़ा सकता ना ये तो संस्कृत में आएंगे तो संस्कृत में ही पढ़ना होगा किशोर के मान किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि एवं उनके निहितार्थ इसलिए तो मैंने टेस्ट सीरीज जो भी पहले लागू कर दी है सिलेबस में कि सिलेबस में बच्चा जो पढ़ रहा है तो उसकी टेस्ट भी साथ में चलते रहें तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा जस्ट इसके बाद में हमारा आता है किशोर के मानसिक स्वास्थ्य की प्रोत्साहित करने के मार्गदर्शक प्रविधियों का उपयोग अध्यापक कैसे करेगा अरे बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक करेगा भाई संस्कृत पढ़ा रहे हो ध्यान है मैंने पहले कहा संस्कृत बार सब्जेक्ट नहीं है जिसे हर कोई पढ़ करके गवर्नमेंट नौकरी ले ले तो याद ध्यान रखिएगा किशोर अधिगम करता के लिए व्यू रचनाएं चक्रव्यूह तो बना था अब व्यू रचना भी बनानी होगी आपको जिसमें संप्रेषण कौशल और उसके उपयोग कैसे होगा वो आपको याद करना है और समझना भी होगा शिक्षण की अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री का आयोजन कैसे करेंगे आप और उसका प्रयोग कैसे करेंगे ये एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है प्रश्नों के माध्यम से अगला है मित्रों इसमें शिक्षण प्रतिमान प्रतिमान अग्रिम संगठन वैज्ञानिक प्रक्षा सूचना प्रक्रम और सहकारी अधिगम इन सारों पर परीक्षक आपसे प्रश्न बड़े प्यार से पूछने वाला है और ऐसा प्यार कि दिल्ली की सर्दी भी कम पड़ जाए ऐसी प्यार पूछता है एग्जामिनर शिक्षण आधारित निमित्तवादी सिद्धांत जो है उससे प्रश्न आपसे पूछने वाला है निमित्त निर्मितवादी सिद्धांत आपसे पूछने वाला है यहां और सूचना संप्रेषण तकनीक शिक्षा शास्त्र समाकलन इस पे आ जाओ यहां क्या करने वाला है एग्जाम सूचना और संप्रेषण तकनीक जिसे आप आई भी कहते हैं का प्रयोग कैसे करेंगे आप कैसे समझाएंगे आप उसे यहां वो पूछने वाला है आपसे पांच प्रश्न हर टॉपिक से बनने वाले हैं ये भी ध्यान रखना छह टॉपिक है टोटल हार्डवेयर क्या कहलाता है और सॉफ्टवेयर से संबंधित कौन कौन से वो उपकरण है जो एग्जामिन आपसे पूछने वाला है यहां पर प्रणाली उपागम का अनु अनुदेशन और उसके अलावा कंप्यूटर सहायक प्राप्ति अधिगम सी एल एल कंप्यूटर सहायक प्राप्त अनुदेशन याद रखिए इनका नाम याद रखिएगा हिंदी में क्योंकि एग्जामिनर इसे सी ए एल का पूरा नाम पूछ लेता है संस्कृत में तो याद रखिएगा यही नाम रहेगा और आई सी टी शिक्षा शास्त्र समाकलन का प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं कुल ये छह टॉपिक आपसे फर्स्ट ग्रेड में तीस प्रश्न बनेंगे और एग्जामिनर हर पेज पांच प्रश्न बनाने वाला है इसीलिए कहा मित्रों यहां देखिएगा पचपन क्वेश्चन तो आपके किससे होंगे सीनियर यानी कि बारहवीं क्लास वाले लेवल से और पचपन प्रश्न ही कहा होंगे यहां देखिएगा प्रश्न में यहां पर सब्जेक्ट से संबंधित और कितने यहां भी एजुकेशन यानी कि बी लेवल के और एमए लेवल का यहां प्रश्न होंगे दस ये तो हो गए बारहवीं लेवल के बारहवीं लेवल के कितने प्रश्न पंद्रह पचपन सॉरी और यहाँ पर जो आपके ग्रेजुएशन अर्थात बी ए लेवल के लेवल के भी पचपन प्रश्न और एम ए लेवल का जो प्रश्न पत्र होगा उसके दस प्रश्न होंगे कुल मिलाकर यदि मैं यहाँ हिसाब लगा दू तो एक सौ चालीस हो गए क्या या दो सौ चालीस दो सौ चालीस का खेल यहां हो गया है अर्थात आपका जो सब्जेक्ट है व्याकरण साहित्य है वो 240 नंबरों में सिमट गया है पेपर होगा 300 अंकों का तो यहां पर 60 क्वेश्चन 60 नंबर का मतलब हो गया 30 प्रश्न आने वाले हैं यहां से एजुकेशन साइकोलॉजी पेडोलॉजी टीचिंग लर्निंग मैटर से और कंप्यूटर आधारित ये 30 प्रश्न आपसे पूछने वाला है तब जाकर के आपके डेढ़ सौ प्रश्न बनेंगे और 300 प्रश्न पूछने वाला है अंक लाने हैं आपको 300 सौ अंक लाना बड़ा आसान होता है लेकिन उसी बच्चे के आसान होता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है सिलेबस के बाहर पढ़ने वाले आज दिन तक बेरोजगारी घूम रहे यस अभी तक बेरोजगार है पिछली छह बार दे चुके हैं ऐसे बच्चे प्रश्न छह छह बार दे चुके हैं हर बार फेल हो जाता है क्यों वो हर बार एक नई किताब लाता है और उससे तो पढ़ता ही नहीं है ना जो सिलेक्शन दिलाए भीड़ में बैठने की उसे जो आदत रह गई भीड़ में बैठ के पढ़ेगा सिलेक्शन कहां से होगा आइए मित्रों थोड़ा तो सा ध्यान रखिएगा और ये नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें ये भी ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है अंक कटेंगे तो हर प्रश्न का गोला भरते हुए बहुत सावधानी रखनी होती है हमें मैं हूं मुकेश दीवान और मित्रों वर्षों से मैं लगातार एक ही उद्देश्य लेके चल रहा हूं आपका आपका चयन ये मेरा लक्ष्य बस मेरा ये है आपको जिस तरह से सिलेबस को पढ़ाया गया है आपको उसी तरह उसे समझना होगा नहीं समझ में आता है तो पूछना होगा और इसी के साथ ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं मुकेश दीवान नमो नमय राम राम